स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं अपनी शुक्ला यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में लोकसभा पूरा पढ़ लिया था, उसके संगठन को समझ लिया था कि उसमें कितने सदस्य होते हैं, राज्यों को कितने सदस्य किस प्रकार से आवंटित किए जाते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस क्लास में परिसीमन पढ़ेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो है राज्यों को सीट आवंटित की जाती है और उसका आधार क्या होता है, या कौन कौन से संशोधन अभी तक परिसीमन से संबंधित किए गए हैं, उनसे संबंधित जो सवाल बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे इस क्लास में। परिसीमन, परिसीमा का साधारण सा मतलब होता है सीमा निर्धारण। सीमा निर्धारण किसका सीमा निर्धारण? जो क्षेत्र होते हैं, जैसे संसदीय क्षेत्र है या विधायी क्षेत्र है, विधानसभा के क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के निर्धारण को ही परिसीमन कहा जाता है। इसका जिक्र अनुच्छेद 81 में ही किया गया है। अनुच्छेद 81 में इसका जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि परिसीमन के द्वारा जो क्षेत्र बनाए जाएंगे उसमें ये कोशिश की जाएगी कि जनसंख्या का अनुपात पूरे देश में एक समान रहे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर उत्तर प्रदेश के किसी लोकसभा क्षेत्र में 10 लाख जनसंख्या है तो बिहार के भी किसी लोकसभा क्षेत्र में 10 लाख जनसंख्या पर ही क्या होना चाहिए? एक लोकसभा होना चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि भारत में कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जिनकी जनसंख्या 60-70 लाख से ऊपर नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रावधान किया जाए? तो उनके लिए 1973 में 31वां संविधान संशोधन किया गया। 1973 में 31वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बात जोड़ दी गई कि जिन प्रदेशों की संख्या 60 लाख से कम है वहां पर यह अनुपात का नियम लागू नहीं होगा। अब ये जनसंख्या अनुपात के आधार पर ही लोकसभा का गठन क्यों किया जाता है यह समझ लेना बहुत जरूरी है। इसकी मूल वजह यह है कि लोकसभा में इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को बराबर बराबर प्रतिनिधित्व मिले, किसी को कम और ज्यादा ना मिले, इसलिए कोशिश की जाती है कि बराबर जनसंख्या पर ही लोकसभा सीटें आवंटित की जाएंगी। लेकिन अब जिस स्टेट में जनसंख्या बहुत कम है, अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के एक जिला इलाहाबाद की जो अकेली जनसंख्या 60 लाख है, लखनऊ की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 45 लाख है। तो अगर इस आधार पर आप लोकसभा सीटों का आवंटन करने लगेंगे तो कुछ स्टेट ऐसे मिल जाएंगे जहां पर एक भी लोकसभा की सीट नहीं, या एक हो सकता है कि एक ही मिल पाए। लेकिन उस समस्या को सुलझाने के लिए एक कोशिश किया गया और उसी का परिणाम यह था कि 1973 में 31वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था बदल दी गई कि जनसंख्या के अनुपात को सिर्फ इस आधार पर नहीं देखा जाएगा। वहां पर जिस राज्य में 60 लाख से कम की जनसंख्या निवास करती है उसका आधार दूसरा हो सकता है। तो परिसीमन में आपने एक चीज तो यह समझा कि इसका मतलब सीमा निर्धारण होता है। आर्टिकल 81 में इस बात का जिक्र किया गया है। साथ ही में आपने यह समझा कि 31वां संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि अब जो है जनसंख्या अनुपात जो है वो राज्य की जनसंख्या के मुताबिक ही उसमें बदलाव होगा।
एक संशोधन और होता है, 64वां संविधान संशोधन, ये 2000 में होता है, सन 2000 में 84 अमेंडमेंट होता है, जिसमें यह व्यवस्था की जाती है कि 2026 तक, सन 2026 तक 1971 की जो जनगणना थी, 1971 की जनगणना थी, इसके आधार पर जो परिसीमन किया गया था वही चलता रहेगा। 1971 की जनगणना के आधार पर जो परिसीमन किया गया था के आधार पर परिसीमन ही लागू रहेगा। असल में होता यह है कि राजनीतिक पार्टियां परिसीमन से बचती है, वो इसीलिए इस डेट को आगे बढ़ाती रहती है कि परिसीमन ना करना पड़े, क्योंकि उनके राजनीतिक हित क्षेत्र के हिसाब से होते हैं। इसको इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए कि कोई एक लोकसभा क्षेत्र है, मान लीजिए कि कोई एक लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 5 लाख जनसंख्या हिंदू की है, 2 लाख मुस्लिम की है और बाकी अन्य रिलीजन के लोग, कुल मिलाकर के मान लीजिए कि यहाँ पर 8 लाख जनसंख्या निवास करती है और एक लोकसभा है। हिंदू में अलग अलग जातियां होती है, तो इसमें मान लीजिए कि 10% ब्राह्मण है और ओबीसी मान लीजिए कि यहाँ पर 50% है, शेष 30-40% में जो है अन्य जातियां हैं। तो इस प्रकार से अगर स्ट्रक्चर है, अब मान लीजिए परिसीमन होने लगा, तो आप जानते ही हैं कि भारत में राजनीति किस प्रकार से होती है, धर्म के आधार पर और जात के आधार पर राजनीति होती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो जब परिसीमन होगा और जब क्षेत्रों में बदलाव शुरू होगा, तो कुछ जातियां इधर जाएंगी, कुछ धर्म के लोग इधर आएंगे, तो इससे जो नेता होते हैं उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपना एक क्षेत्र बना करके रखते हैं और जब परिसीमन होता है तो क्षेत्र बदल जाते हैं, इसलिए जो उनका एक अपना एक वोट बैंक होता है जो उन्होंने तैयार किया है वो इधर उधर हो सकता है, इसीलिए राजनीतिक पार्टियां परिसीमन करने से बचती हैं और परिसीमन को जानबूझकर आगे बढ़ाती रहती है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति तो ये है कि एक लोकसभा सीट पर करीब करीब कई ऐसे लोकसभा जहां पर 15-15 लाख जनसंख्या रह रही है, एवरेज अगर देखा जाए तो 10 लाख के आसपास जनसंख्या जो एक लोकसभा में है। अब परिसीमन की जरूरत है, लेकिन इस परिसीमन को जानबूझकर 2026 तक टाल दिया गया है। तो ये था परिसीमन, जिसको आपने समझा। आगे क्लास में हम लोकसभा अध्यक्ष पढ़ेंगे, उसके उपाध्यक्ष पढ़ेंगे, उनकी शक्तियां क्या क्या है तथा उनका काम क्या क्या है, ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जब लोकसभा अध्यक्ष पढ़ रहे होंगे। उसके साथ ही में लोकसभा उपाध्यक्ष भी हम पढ़ेंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी, तथा इस क्लास में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन करते हुए चलिए, जो चीजें इतनी गंभीरता से आपको समझाई जा रही है उसको कनेक्ट करते हुए चलिए, कोई क्लास मिस मत किया कीजिए। और अगर आपका छूटा हुआ है, आपने शुरुआत से पढ़ाई नहीं की है, तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको शुरुआत से जीरो से जहां से क्वालिटी शब्द आपने सुना होगा वहां से लेकर के यहाँ तक कि जहां ये पहुंचे लोकसभा पढ़ रहे हैं, यहाँ तक का पूरा सीरियल वाइज वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।